से एमटी न्यूज में मैं हूं कृष्णकांत सिंह। हरी अब देखते दिन भर की खास खबर। राधा रानी के दरबार में पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती। राधा रानी के किए दर्शन और पूजा आराधना। राधा रानी का मंदिर वर्ष में खुलता है एक बार। कांग्रेस पार्टी द्वारा जन आक्रोश यात्रा की तैयारियों को लेकर रखी गई बैठक। कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता रहे शामिल। और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कलेक्टर व एसपी ने रखी महत्वपूर्ण बैठक। हुआ चुनावी मंथन। अब खबर विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती आज राधा अष्टमी के पावन दिन नदवाना स्थित प्राचीन राधा रानी के दरबार मंदिर में पहुंची। ज्ञात हो कि यह मंदिर साल भर में एक ही बार खुलता है। राधाष्टमी के दिन विशेष पूजा आराधना होती है। वहीं नगर के लोग बड़ी संख्या में राधा रानी के दर्शनों के लिए पहुंचे और धर्म का लाभ लिया। विदिशा विरासत ग्रुप उमा भारती से इस विषय पर हुई चर्चा। बेटा थोड़ी देर बाद भी हो सकता है ये तुम्हारा काम। शुरू करते हैं। राधा रानी ने ही कृष्ण के जीवन में मधुरता लाई थी, क्योंकि कृष्ण शौर्य संपन्न थे और कृष्ण का जो शौर्य था वो बहुत विकराल था। उसके अंदर मधुरता का मेल जरूरी था। राधा रानी श्री विद्या का अवतार हैं और विदिशा धन्य है कि विदिशा में स्वयं वृंदावन से पधारी हुई राधा रानी हैं। मैं आज उनके दर्शन करने के लिए आती हूँ और जिस प्रकार से यहाँ का वो जो परिवार है, जिस घर में वो माँ बैठी हैं भगवती राधा रानी श्री विद्या, वो जिस प्रकार से निरंतर शताब्दियों से उनकी सेवा कर रहा है, मैं उस परिवार का बहुत अभिनंदन करूँगी। और चूंकि ये पॉलिटिकल माहौल का मामला नहीं है और ना यहाँ पॉलिटिक्स की बात हो सकती है, इसलिए मैं सिर्फ राधा रानी से संबंधित ही बात करूँगी। महिला आरक्षण पर जो है, मंदिर काफ़ी प्राचीन है, जगह बहुत कम है ना, जैसे हजारों की संख्या में पब्लिक आ ही नहीं पाती यहाँ पर दर्शन करने लोग, इसके लिए कुछ है आगे भविष्य में? नहीं, मैं उनके लिए कुछ प्लान नहीं कर सकती राधा जी के लिए, नहीं, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं हो सकता। स्वयं पहले पुजारियों के परिवार को ये तय करना पड़ेगा कि वो राधा जी को बाहर कहीं प्रतिष्ठित होने देंगे कि नहीं, अन्यथा जो नहीं जो विदिशा के जो वैष्णव जन हैं वही मिलके मंदिर बना देंगे, इसमें सरकार से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। दीदी, महिला आरक्षण पर कितने होते हैं? अभी तो इस विषय पे यहाँ बिल्कुल नहीं बोल रही। आज राधा अष्टमी का दिन, आज पूजा हो रही है, बड़े धूमधाम से हो रही है और कृष्ण भगवान की गाय आज सड़कों पर है, एक्सीडेंट से मर रही है, वो उस पर क्या कहना चाहेंगे आपको? गौ माता का, मेरे को गौ से बहुत लगाव है, गाय के दूध का मक्खन ही कृष्ण को और राधा को प्रिय है, लेकिन इसके पॉलिटिकल एंगल पे मैं यहाँ बिल्कुल नहीं बोल रही। अब वो तो शिवराज जी बोलेंगे, मध्य प्रदेश उनका है, वो विदिशा के हैं। ना ना, इसमें शिवराज जी को उत्तर देना होगा, मेरे को नहीं, ये पूरी तरह से शिवराज जी की जिम्मेवारी है, क्योंकि उन्होंने गौ कैबिनेट भी बनाई थी। आज भगवान से क्या प्रार्थना की है? मैंने राधा रानी से, मैंने उनसे कहा कि मुझे कृष्ण के सानिध्य में रहने का वरदान दीजिए। नहीं, विदिशा विरासत ग्रुप का नहीं है, विदिशा की विरासत में ही समाहित हमारा राधा रानी का मंदिर है और लगभग 400 साल पुराना ये इसका इतिहास है। यहाँ पर
राधा रानी की जो निधियां हैं जो दो हिंदुस्तान में दो ही जगह रखी हैं, एक वृंदावन में रखी हैं और एक हमारे यहाँ रखी हैं, उनका आज राधा अष्टमी का त्यौहार है, तो उसके लिए यहाँ पर सब लोग मनाने के लिए आए हैं। मध्य प्रदेश की यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय उमा भारती जी हमारे बीच में पधारी थी, आज भी कई लोग यहाँ पर आने वाले हैं। माननीय केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी भी 4 बजे आने वाले हैं। आदरणीय साधना भाभी जी का भी आना जाना बना रहता है, वो भी उनके भी आने की खबर है। इस तरह राधा रानी के दरबार में सब अपने अपना आशीर्वाद लेने जा। बाढ़ वाले श्री गणेश मंदिर की विशेष साज सज्जा की गई है। श्री गणेश मंदिर का जीर्णोद्धार भी चल रहा है, विशेष नक्काशी की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मंदिर निर्माण कराया जा रहा है। श्री गणेश उत्सव के चलते भक्त व श्रद्धालु पहुंचकर धर्म का लाभ ले रहे हैं। मेरा नाम पंडित परशुराम चौबे। कौन सा मंदिर है और ये कहाँ पर स्थित है? ये मंदिर बाड़वार गणेश मंदिर का मंदिर नाम गणेश जी का मंदिर है जो रंगाई में स्थित है, रंगाई विदिशा में स्थित है। यहाँ पर कितने ये मंदिर का निर्माण करवाए थे, कब करवाए थे, कितने वर्ष हो चुके हैं? इस मंदिर का निर्माण 2005 में शुरू हुआ था और 2008 में स्थापना हुई थी गणेश जी की। बाड़वार गणेश जी इसलिए कहलाते हैं कि यहाँ बाढ़ में गणेश जी की मूर्ति लगी हुई थी जो कि ना बही ना गली, इसलिए बाड़वार नाम पड़ गया इनका। इनकी स्थापना माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी है साधना सिंह चौहान ने गणेश जी की स्थापना की। और क्या विस्तार हुआ हो रहा है यहाँ पर? पर्यटक के हिसाब से बहुत कम हो रहा है, गणेश जी का आशीर्वाद चल रहा है, वैसे बहुत मतलब दर्शन करने वाले तीर्थयात्री आने लगे हैं, अपनी अपनी मनोकामना पूरी हो रही है, तो खूब भीड़ भाड़ होती है। गणेश उत्सव चल रहा है, यहाँ बेतवा नदी के किनारे पर है, विदिशा के पास में ही है बेतवा नदी, इसके किनारे पर लगाई गांव है जहां पर गणेश जी विराजमान हैं। बाढ़ वाले गणेश मंदिर जी हैं और यहां विदिशा के लोगों की बहुत आस्था और श्रद्धा है। मंदिर तो बहुत है गणेश माँ का, इसमें क्या खास रहा है? इसमें विशेष आस्था ये है कि इसमें जो है लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है और एक बेतवा नदी के किनारे स्थित है तो और भी अच्छा लगता है यहाँ मंदिर पर आने वाले श्रद्धालुओं को। विदिशा राजुल मूक बधिर शिक्षण संस्थान द्वारा आज 23 सितंबर को मूक बधिर दिवस मनाया गया, जहां सामाजिक न्याय विभाग, नगर पालिका व अन्य शिक्षण संस्थानों के माध्यम से ऐसे बच्चों को प्रशिक्षण दिया गया। जिम्मेदारों ने इस विषय पर अपनी राय व्यक्त की है। मैं नेहा सिंह, सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी, सामाजिक न्याय विभाग जी। आज अंतर्राष्ट्रीय साइन लैंग्वेज दिवस के उपलक्ष्य में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा साइन लैंग्वेज के प्रति बच्चों एवं उनके अभिभावकों को जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया है। ऐसे में बच्चे एवं उनके अभिभावकों को साइन लैंग्वेज सिखाने का और उसकी महत्व का बताया गया है। किस प्रकार के बच्चों को आप इस तरीके का प्रशिक्षण दे रहे हैं? जो बच्चे मूक बधिर बच्चे होते हैं जिन्हें सुनने एवं बोलने में समस्या उत्पन्न होती है, उनके लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग से उनकी दिनचर्या में काफ़ी सुविधाएँ मिल जाती हैं और वे काफ़ी आगे के समाज के में की विचारधारा में जुड़ पाते हैं। मेरा नाम संजीव कुमार जैन है, मैं दीक्षा निकेतन विशेष स्कूल छात्रावास का प्राचार्य। आज क्या है, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम भी है सेंट्रल मिनिस्ट्री की तरफ से और इसके विशेष रूप से साइन लैंग्वेज के माध्यम से बच्चों को जागरूक करना और उनका एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम रहता है जो कि आज के दिन ही फिक्स डेट रहती है कि 23 तारीख को जो भी मूक बधिर बच्चे हैं या व्यक्ति हैं उनको कम से कम समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। सपाक संगठन द्वारा आज शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर वाहन रैली निकाली गई। दुर्गानगर चौराहा स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा से वाहन रैली प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्ग से निकली। नगर की समस्याओं को सपाक संगठन द्वारा उठाया जा रहा है, रैली आयोजक ने दी जानकारी।
संजय तिवारी, जिला अध्यक्ष सपाक समाज। आज के संबंध में ये काले झंडे, ये सरकार की योजनाओं का और नीतियों का विरोध है। गोवंश सड़कों पर घूम रही है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे जन आशीर्वाद यात्रा लेकर, लेकिन जो गोवंश सड़कों पर बैठी थी उसे उठाकर बाहर कर दिया। अगर आशीर्वाद लेना था माननीय मुख्यमंत्री तो गोवंश लेते और उनको ऐसी व्यवस्था करते आशीर्वाद लेकर कि वो सड़कों पर फिरती नहीं, एक्सीडेंट नहीं होता, उनका मरती नहीं। हम इन्हीं सभी योजनाओं गोवंश के लिए व्यवस्था की जाए उचित। दूसरा, बिजली विभाग में बहुत ही अनियमितता है, कई प्रकार के चार्ज ले रहे हैं उनके खिलाफ। किसानों का मुद्दा और सरकारी अस्पताल का मुद्दा, पटवारी भर्ती का मुद्दा, इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर हम आज कलेक्ट्रेट के सभागार में आज चुनावी संबंधी अति महत्वपूर्ण बैठक रखी गई। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कलेक्टर उमाशंकर भार्गव व SP दीपक कुमार शुक्ला सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी इस बैठक में शामिल रहे। जहाँ हमारा स्ट्रॉन्ग रूम रहेगा, मशीन रहेगी, वहां उसको बरंदा पर नहीं मार सकता। इस बार नई चीज हो रहा है, पहले 2 लेयर सिक्योरिटी रहती थी, इस बार इलेक्शन कमीशन ने 3 लेयर मार देते और एक के ऊपर एक छत तक रखते थे। आप यदि आप ऐसे कैसे कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। यह यात्रा 2 अक्टूबर को विदिशा पहुंचेगी। आक्रोश यात्रा की तैयारियों को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा विशेष बैठक रखी गई, जिसमें विधायक शशांक भार्गव, कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश कटारी सहित कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वो नोट करा दे और फिलहाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जिले के पदाधिकारी गण, वो 4 पहिया वाहन के मोर्चा संगठनों के अध्यक्ष, कितने कितने 4 पहिया वाहन इंडिया में प्रवेश में लगा रहे हैं, उसकी सूची भी आप उपलब्ध करा दे, जिससे कि वो वाहन आपको लगाना है। युवक कांग्रेस कहने शिकायत नहीं आई क्या? युवक कांग्रेस नहीं है, विधानसभा में चलना ये गुजारिश है। अभी आनंद भाई ने हमें लिख के दिया है कि प्रचार के लिए वो 2 प्रचार वाहन विधानसभा में सहयोग करने की आवश्यकता है। ना मैं आपका चेहरा देखूं, ना आप मेरा चेहरा देखें, सिर्फ तो सिर्फ हमारी एक ही सूत्री कार्यक्रम होना चाहिए कि जानदार शानदार ऐतिहासिक यात्रा विदिशा में हो। चूंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हंसाबाद में डॉक्टर थे कांग्रेस कमेटी के दोस्त, जन आक्रोश यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में निकाली जा रही है, जिसका हमारे विदिशा जिले में 30 तारीख से शुभारंभ हुआ। गुरुवाई के रास्ते चलते हुए सोन बसौदा सिकंदराबाद विदिशा गुलाबगंज होते हुए यात्रा 1 तारीख की शाम 5 बजे माधोगंज चौराहे पर आम सभा में पंडित होगी। जो लोग आज हमने उसी के मुतालिक मीटिंग रखी थी, सभी विधानसभा के कार्यकर्ता पुरजोर तरीके से जन आक्रोश यात्रा निकाले, लेकिन हमारी जन यात्रा आक्रोश यात्रा कर्मचारी नहीं होंगे जो हमारे अभी जन आशीर्वाद यात्रा निकली, उसमें कर्मचारी थे लेकिन यहाँ ओरिजिनल लोग रहे। आपने ये प्रश्न किया तो मैं पूछना चाहता हूँ, 18 साल हो गए माननीय मुख्यमंत्री जी को जन आशीर्वाद, तो मुझे विधवा विलाप करते क्यों भूल रहे हैं जन आशीर्वाद? उन्हें तो लेकिन ये तय है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है और वो घबराए हुए, इसलिए जनता के बीच कर्मचारियों के सहारे विधवा विलाप करते घूम बनाया गया है। और विदिशा में 1 तारीख को प्रवेश करेगी गुलाबगंज से, और पूरा रूट और पूरे कार्यक्रम की तैयारी को लेकर यहाँ बैठक उपस्थित थी। बैठक में हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और विदिशा के प्रभारी आदरणीय दीपचंद जी यादव साहब और पूर्व सारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सहित तमाम कांग्रेस के ग्रामीण और शहर के तमाम नेता यहाँ उपस्थित हुए। सभी ने यह तय किया कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस प्रतिदिन कांग्रेस बढ़ती की ओर है, पूरे मध्य प्रदेश में 150 सीटों से ऊपर लाने का लक्ष्य कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लिया है। उसी तारतम्य में विदिशा में भी हम सब लोगों ने आज ये तय किया है कि प्रत्याशी कोई भी हो, चाहे वो दीपक वाजपेयी हो, चाहे अनंत प्रताप सिंह हो, चाहे रणधीर सिंह ठाकुर हो,
कोई प्रत्याशी हो, लेकिन हम कांग्रेस का झंडा बुलंद करते हुए इस यात्रा को सफल बनाने की हमने अपील भी की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जो विदिशा में जन आक्रोश यात्रा आ रही है, उसके स्वागत सत्कार के लिए एक कमेटी बनी है। उस कमेटी में दर्जापुर से चालू होगी यात्रा, पूरे मेन मार्केट में होगी, माधोगंज पे सभा होगी। इस पे जगह जगह कार्यकर्ता लोग स्वागत करेंगे, भारी वाहनों से आएंगे, टू व्हीलरों से आएंगे, हजारों की तादाद में वाहन दिखेंगे और हजारों और लाखों की तादाद में लोग आने की। आज की खबरों को देते ही प्रोग्राम आप देखते रहिएगा विदिशा एम टी। नहीं, शहर की ताज़ा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर एनटी न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब करें और जाने शहर की ताज़ा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर सकती।